इधर जयपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आरटीडीसी की पैलेस ऑन व्हील्स चलाने की योजना हुई है फेल, अब पूरे एक सत्र के लिए रद्द हुई है पैलेस ऑन व्हील्स। 24 फरवरी से पैलेस ऑन व्हील्स चलाने की दरअसल घोषणा हुई थी, लेकिन 1.5 महीने से जो पर्यटकों की बुकिंग हुई है, मात्र 2 पर्यटकों ने बुक कराई है ट्रेन। पर्यटन निगम को शाही ट्रेन संचालन से पीछे हटना पड़ा है। पर्यटन निगम और रेलवे को 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अगर देखा जाए तो हो रहा है इससे। अब सितंबर में शुरू होने वाले सत्र में ही ये ट्रेन चल पाएगी। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो कि राजस्थान के तमाम हिस्सों को कवर करती है और ट्रेन के भीतर भी शाही सुविधाओं से लैस एहसास कराती हुई ये रेलगाड़ी यहां पर आने वाले तमाम पर्यटकों को, मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दामोदर, निश्चित रूप से जब भी पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के तमाम स्टेशनों से गुजरती है तो स्वागत होता है, शाही अंदाज में पर्यटकों का स्वागत होता है, ट्रेन का स्वागत होता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि बुकिंग ही नहीं हो पाई है। मात्र 2 पर्यटकों ने बुक कराई है ट्रेन में अपनी सीट, तो ये बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लॉकडाउन और अनलॉक के बाद में करीब 10 महीने बाद फिर से ये पैलेस ऑन व्हील्स शुरू की गई थी टूरिस्टों के लिए, क्योंकि विदेशी टूरिस्ट है नहीं। अभी जो फ्लाइट है, विदेशी इंटरनेशनल फ्लाइटें चल नहीं पा रही है। ऐसे में जो इंडियंस हैं, इंडियंस के लिए 30% डिस्काउंट में आरटीडीसी ने जो पैलेस ऑन व्हील है वो चलाने का घोषणा की थी और 1 महीने पहले ही इस पहले से उन व्हील्स में चलाने के लिए बुकिंग शुरू की थी। ऑनलाइन बुकिंग, पहली बार ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग में भी इनके पास सिर्फ 2 ही बुकिंग हो पाई है। ऐसे में जो 24 फरवरी थी, परसों से चलाना था, लेकिन बुकिंग नहीं आ पा रही है, ऐसे में इनको रद्द करना पड़ा है। तो कह सकते हैं कि आरटीडीसी को एक जोर का झटका धीरे से लगाया है कि इस तरीके की जो घोषणा की गई थी, योजना बनाई गई थी, वो बिल्कुल फेल हो गई है। शायद जो विज्ञापन कह सकते हैं कि इनका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं हो पाया, इसी कारण से लोग जुड़ नहीं पाए। ऑनलाइन बुकिंग का जो इन्होंने शुरू किया था वो भी प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं कर पाए, लोगों तक मैसेज पहुंचे नहीं, ऐसे में जो बुकिंग थी वो नहीं हो पाई। ऐसे में जो आरटीडीसी को अब ये पैलेस ऑन व्हील्स को कैंसिल करना पड़ा, जो नेक्स्ट सितंबर महीने, जो महीना सितंबर आएगा 2021 का, अब उसमें फिर वापसी से पैलेस ऑन व्हील्स चालू की जाएगी और बुकिंग शुरू की जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि सितंबर महीने में बुकिंग कितनी आती है, क्या फिर कैंसिल होगी आरटीडीसी की जो पहले से ऑन व्हील। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दामोदर आपका जानकारी के लिए।